ये देखो पापा की परी, इसने भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये रूल के खिलाफ है। इनिशियल गॉड तुम्हारा भाई ट्रैफिक फिल्टर अंकल, आ जाओ आगे आ जाओ। आपको ध्यान रखना है, प्रो बनने के लिए प्रो की तरह सोचना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो भाई सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो गाइस अभी हम आ रहे हैं ट्रैफिक में, और मैं आपको बताऊंगा ट्रैफिक में या सिटी में आप कैसे राइड कर सकते हो लाइक अ प्रो। अगर आप प्रो बनना चाहते हो मेरी तरह, मैं हूँ विद पिलियन, ठीक है, तो आप कैसे राइड कर सकते हो, कैसे अपनी स्किल दिखा सकते हो और कैसे अपनी गाड़ी को आप मास्टर कर सकते हो। देखो क्योंकि गाड़ी को मास्टर करना भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो सिटी में राइड करना है ना भाई, सबसे पहला सीन क्या है, ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपेयर, इसको ध्यान में रखें। लेकिन गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो अनाड़ी ऐसे राइडर मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। सबसे पहले तो भाई देखो, प्रो बनने के लिए आपको गाड़ी, आपके पास कोई सी भी हो, गाड़ी मैटर नहीं करती भाई। मेरे पे स्प्लेंडर होती, मेरे पे स्कूटी होती, कोई सी भी गाड़ी हो मैं उसको भी चला के आपको दिखा देता भाई, साफ सीधी बात है। बस ये होता है कि आपको ना गाड़ी को पता होना चाहिए गाड़ी का नेचर कैसा है। जैसे मेरी गाड़ी का नेचर थोड़ा एग्रेसिव है भाई, जैसे मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ वैसी मेरी गाड़ी का नेचर एग्रेसिव है, यानी कि मास्टर ऑफ टॉर्क है, इनिशियल बहुत तगड़ा है इसका। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हल्का आप गियर ड्रॉप करोगे सीधा भगाओगे ना भाई, सीधा सूट होती है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और सिटी में भाई क्या होता है कि जैसे आप प्रो की तरह ड्राइव करने का सही तरीका क्या है, आपको पता होना चाहिए आपको कैसे ट्रैफिक को फिल्टर करना है, कैसे गाड़ी को मनूवर करना है, मतलब बिल्कुल एक आपको परफेक्ट टाइमिंग पता होनी चाहिए कि भाई आप निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि कई जगह पर आपको सिटी में बिल्कुल एक सेकंड में गाड़ी को निकालना पड़ सकता है भाई, अगर आपको ट्रैफिक फिल्टर करना है, गाड़ी को चलाना है, आपको अपने सेंसेस को देख के चलना पड़ेगा कि भाई कौन सी गाड़ी लेफ्ट मुड़ेगी कौन सी गाड़ी राइट मुड़ेगी, कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है भाई, कुछ पता नहीं होता। ये देखो अब ये देखो बस ने देखो एकदम से ब्रेक मारा, क्योंकि आगे बस थी वो थी आगे कार है ना। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल आँखें अपनी चौकन्ना रह के गाड़ी को चलाना पड़ेगा भाई। तो प्रो बनने के लिए सबसे पहला भाई टिप तो यही है कि आपको प्रो की तरह सोचना पड़ेगा, आपकी सोच आपको प्रो की तरह बनानी पड़ेगी। अगर आप नूब की तरह सोचोगे अरे भाई डर डर के चलोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि देखो भाई एक्सीडेंट की बात करें, रही बात एक्सीडेंट की, वो कभी भी हो सकता है, कुछ बताए बिना होता है भाई एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये मैं यही बोल रहा कि भाई मैं प्रो हूँ तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, भाई देखो साफ सीधी बात है एक्सीडेंट, हम अपनी लाइफ को रिस्क लेके ही चलते हैं भाई यहाँ पे, जैसे सिटी में चल रहा हाईवे में चल रहा, हमारी लाइफ रिस्क में ही चल रही होती है काइंड ऑफ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई भी कहीं से भी गाड़ी को मोड़ सकता है, लेकिन आपको गाड़ी को आना चाहिए कंट्रोल करना कि आपकी गाड़ी का नेचर क्या, आप कैसे गाड़ी को निकाल रहे हो चला रहे हो, बस चीज़ें भाई। तो जैसे मैं हूँ भाई, मैं अपने को एक प्रो ड्राइवर ऐसे नहीं बोलता कि मैं बहुत खतरनाक प्रो ड्राइवर हूँ, लेकिन भाई जब मैं इनिशियल गॉड बनता हूँ तो मैं ऐसा करके निकाल लेता हूँ कहीं से भी, मुझे तो डरने की ज़रूरत ही नहीं। देखो मैं कहीं से भी निकाल लूँगा ऐसे करके, ये देखो मैं ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है, देखो कहीं से भी मतलब ये है कि जो भी जगह मिली तो प्रो राइडर कहीं से भी निकाल लेते हैं। पहली टिप तो यही है कि भाई ये देखो सही बात है, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है। तो गाड़ी में रॉन्ग गाइड में लगा रखी थी, वो भाई भड़क गया था कि पार्किंग नहीं है, सही बात है भाई। तो ये रियलिटी वाली बात है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्रो बनने के लिए प्रो की तरह सोचना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो भाई क्योंकि सोच मैटर करती है, अगर आप डर के चलाओगे ना गाड़ी, कभी भी आप गाड़ी को ढंग से नहीं चला सकते, कोई सी भी गाड़ी हो भाई। आपके पास अगर मैं सुपर बाइक भी दे दूंगा ना, आप सोचोगे कि भाई आप एक गियर ड्रॉप करोगे इनिशियल, नहीं ब्रो आपसे वो कंट्रोल ही नहीं होगी। अगर आप एक 150 cc की गाड़ी या 200 cc की गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, स्कूटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इतनी तगड़ी गाड़ी को कैसे कर पाओगे कंट्रोल। आपको हर गाड़ी को मास्टर करना पड़ेगा भाई, मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये नहीं कि एक दिन में आप मास्टर कर पाओगे गाड़ी को, थोड़ा टाइम लगेगा तब जाके आप गाड़ी को मास्टर कर पाओगे और तब जाके आप उसे चला पाओगे। जैसे मैं वो भी मुझे पता है कि मैं यहाँ से ट्रैफिक निकाल सकता हूँ, कि मुझे पता है मेरे लिए इजी टारगेट्स है। तो देखो मैं लेफ्ट राइट मनूवर, ये होता है मनूवर की आपकी गाड़ी कैसे कितने कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं अपनी गाड़ी कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, मैं यहाँ से भी निकाल लूँगा, देखो। तो ये है गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, कि कैसे आपकी गाड़ी कंट्रोल हो रही है भाई, कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। और ट्रैफिक के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। और जैसे मैं कहीं पे भी हूँ, और कब आपको गियर को डाउन करना है भाई, क्योंकि गियर डाउन करोगे तभी आपकी गाड़ी में थोड़ा लोड पड़ता है, तभी जाके आप निकाल पाओगे अपनी गाड़ी को कहीं से भी ट्रैफिक से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका पता होनी चाहिए एज अ ड्राइवर, एज अ राइडर बोल रहा हूँ मतलब काइंड ऑफ। तो ये चीज़ें हैं। और भाई गाड़ी को देख के चलाना है, पहाड़ में कैसे चला सकते हो, जैसे भाई आपको कहता हूँ कि पहाड़ों में कुछ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लीन कर रहे हो ना भाई, देख सोच समझ के लीन करना, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं भाई। जैसे हमारे उत्तराखंड के रास्ते, यहाँ के रास्ते भी काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। अब जैसे बहुत अनाड़ी ड्राइवर है यहाँ खड़े हो जाएंगे, जैसे हमारी तरह कोई प्रो ड्राइवर होगा ना अनाड़ी, तो ये क्या वो क्या करेगा, आगे खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसे पुलिस वाले से नहीं पड़ती, क्योंकि हम यहाँ से निकाल लेंगे गाड़ी को, हम कम कांडी थोड़ी है, हमें कांडी। तो प्रो राइडर बनने के लिए आपको प्रो की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतनी जगह छोड़ दी यहाँ पे, हम यहाँ से गाड़ी को निकाल लेंगे।
और पुलिस वाले फालतू नहीं बोल सकता, आजा देखो देखो ये तो ये भी अनाड़ी है, ये प्रो ड्राइवर है। लेकिन देखो हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग को भी क्रॉस नहीं करा, तो ये एक प्रो राइडर की, एक अच्छे राइडर की ना निशानी होती है। ये देखो पापा की परी, इसने भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये रूल के खिलाफ है। हम भी रूल के खिलाफ है, लेकिन हम अलग तरीके से सोचते हैं ना भाई, हम साइड में खड़े हो रहे हैं, हमने साइड दे रही है अपनी। नहीं अगर भाई हम रूल के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम सही जगह पे हैं, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं किसी का, हमने तो साइड दे रही है पूरी। ये देखो रूल के खिलाफ तो ये है, देखो हेलमेट के बिना जा रहे हैं, हम तो प्रो हैं। चल भाई होने वाला है, हाँ चल 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 चल। देखो भाई अब देखो है पापा की परी, इनिशियल गॉड तुम्हारा भाई ट्रैफिक फिल्टर। अंकल आ जाओ, आ जाओ तो गाइस ये देखो तुम्हारा भाई ट्रैफिक फिल्टर गॉड है, तुम्हारा ये प्रो राइडर है भाई, प्रो राइडर है। हल्के में ले रहे हो क्या, ऐसे निकाल लेते तुम्हारा भाई ऐसे। तो ये चीज़ें आपको कुछ बतानी थी, जो मुझे सही टाइम पे आपको गियर ड्रॉप करना आना चाहिए, सही टाइम पे आपको सोचना आना चाहिए, सही टाइम पे आपको अपने माइंड का यूज़ करना आना चाहिए भाई, अगर आपको एक प्रो राइडर बनना है भाई। ये तो भाई यहाँ से भी हमने गाड़ी को निकाल लिया, तो हम राइडर प्रो है तो वो यहाँ से निकाल देंगे। तो ये तरीके होते हैं भाई एक प्रो राइडर बनने के। सो गाइस यही था, देखो इतना ही था इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, अगर आप एक प्रो राइडर बनना चाहते हो, अपनी बाइक को मास्टर करना चाहते हो, कोई सी बाइक हो आपके पास भाई, स्प्लेंडर हो, बुलेट हो, MT हो, कोई सी हो, ड्यूक हो, KTM हो, एक्स वाई जेड जो भी बाइक हो यार, R5 हो, कोई सी भी बाइक हो यार, आप NS हो, एक्सपल्स हो, बट वो ये है कि देख के चलाना है आपको गाड़ियों को, सोच समझ के चलाना है, मास्टर करना है हर चीज़ को। तो यही था, इतना था इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।